तो अभी जो हमने देखा, किसी भी डेटा के इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के आपके पास एक मेथड हो गया, जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हैं और पुराने डेटा को नए डेटा के टर्म्स में लिख सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको, इन सारे जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, इसको एक डेटा के साथ, वर्किंग एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी आराम से समझ में आए। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेटा वाइज देखना चाहेंगे, ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, लेट्स से 1970 से आपके पास डेटा अवेलेबल है। तो आपने क्या किया, डेटा का जितने भी आपके पास, लेट्स से आपके पास एक गिवन स्टेशन है M, उसके चारों तरफ आपके लगभग 10 स्टेशन है, ठीक है। आपने उन 10 स्टेशन का मीन लिया और उसको क्यूमुलेटिव एवरेज एक्स एक्सिस पर प्रिंट प्लॉट करने की कोशिश की, और सेम आपके पास जो M स्टेशन का डेटा है उसका क्यूमुलेटिव आपने वाई एक्सिस पर प्रिंट किया, ठीक है। आप स्टेशन M कहिए, स्टेशन X कहिए, एक ही बात है। आपने ये ग्राफ प्लॉट किया, अगर आपका ग्राफ सेम इस लाइन पे रहता तो आप कहते हैं आपका डेटा कंसिस्टेंट था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 1863 में आपके डेटा में ब्रेक आ जा रहा है। इस ब्रेक आने के कारण आप कह सकते हैं 1863 के बाद जो डेटा आया है वो आपका उसमें कंसिस्टेंसी अब नहीं रही है। तो आप क्या करेंगे, पुराने ट्रेंड के डेटा को, मतलब इस ट्रेंड के डेटा को आप मूव करेंगे नए ट्रेंड के डेटा के स्लोप में। स्लोप नीचे की इस, ये लाइन इसके नीचे भी हो सकता है, लाइन इसके ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या बन रहा है, ठीक है। तो लेट से आपको अब करेक्शन करना है इन द ईयर 1958, यहाँ के डेटा में आपके पास करेक्शन करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ का 1958 का डेटा कर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया विद द, लेट से पी ऑफ 1958 इंटू आपके पास जो स्लोप आया था वो एम ए हो गया, एम सी आपका जो स्लोप हुआ वो आपका करेक्टर स्लोप हुआ, एम ए जो हो गया आपका एक्चुअल स्लोप था। यहाँ पे आप अगर ग्राफ के सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से जाना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 1958, यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, पी 1958 करेक्टेड, तो इसको ऐसे लिखेंगे पी 1958 एक्चुअल इंटू स्लोप एट सी इंटू स्लोप ऑफ करेक्टेड ग्राफ एंड स्लोप ऑफ एक्चुअल ग्राफ, और यहाँ पे 1958 एक्चुअल इंटू, अगर सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग बात करें तो यहाँ पे एम ए के जगह आप डायरेक्टली ए लिख सकते हैं और एम सी के जगह डायरेक्टली आप सी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल जो ऑर्डिनेट आया वो। तो सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में देखा था लास्ट अभी, तो उसी का यहाँ पे एक तरह से दूसरा रिप्रेजेंटेशन हुआ, जहाँ पे एम सी के जगह आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इंटू सी वाई ए, जो कि सी और ए आपके इंटरसेप्ट बन रहे थे वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये तो एक रफ आइडिया कंसेप्ट हो गया कि आपको करना क्या है, कैसे चीज़ें चेंज करनी है। अगर हम इसको डेटा के बेसिस पे चीज़ें को देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपने जो डेटा कलेक्ट किया था वो एम, लेट्स से स्टेशन एम के बारे में बात कर रहे हैं हम, स्टेशन एम का जो हमने डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया था वो ये था, यहाँ पे 1979 से हम 1950 तक का हमारे पास डेटा है, 1979 से, अगेन डेटा आपको रिवर्स ऑर्डर में हमेशा जाना है, ये सारे डेटा आपने कलेक्ट किए। सिमिलरली आपके पास एक दूसरा चार्ट है, टेबल है, जहाँ पे आपने डेटा जो कलेक्ट किया है वो स्टेशन M के आसपास के जो स्टेशन थे उनका एवरेज है, वो भी ऐसा ही यहाँ पे आपने रिवर्स करंट से पीछे जाने वाले ऑर्डर में आपने कलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, आप इन्हीं डेटा का क्यूमुलेटिव ग्राफ बनाएंगे, जो कि आपका कॉलम 2 से आपका क्यूमुलेटिव जो बना वो कॉलम 3 में आ गया, और ये आपने क्यूमुलेटिव करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पुराने डेटा में, जैसे कि अब आपको 1970 का डेटा है 1612, आप इस पुराने डेटा में इस डेटा को ऐड करेंगे आपका नया डेटा आ जाएगा, फिर इस डेटा को इसमें ऐड करेंगे आपका 1977 का डेटा आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये क्यूमुलेटिव कर्व बन गया, सेम काम आप एवरेज वाले के साथ करेंगे, वहाँ का भी क्यूमुलेटिव कर्व आप इस हिसाब से जनरेट कर लेंगे, ठीक है। जनरेट करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को वापस यहाँ पे प्लॉट कर दिया, यहाँ पे आप जो ग्राफ देख रहे हैं वो इस ग्राफ के पास इसका इक्वेशन आप यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं जो कि जनरेट किया गया। आप देख रहे हैं 1967 के बाद डेटा या फिर आपके ग्राफ में इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है। आपका इनिशियल ग्राफ जो होना चाहिए था वो ये है, लेकिन एक्चुअल जो आ रहा है 1967 के बाद का जो ग्राफ है वो है। तो आपको करेक्शन के लिए क्या करना होगा, इस ग्राफ को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने करेक्शन फैक्टर निकाला, करेक्शन फैक्टर के बारे में हमने बात किया था, क्या था, स्लोप एट सी इंटू डिवाइड बाई स्लोप
जो एक्चुअल है वो, या फिर आप सी बाई ए कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया इन्होंने, करेक्शन का टर्म्स यहाँ पे निकाला, ठीक है। इस पार्टिकुलर सिनेरियो में आपका एम ए की जो वैल्यू आती है वो क्या हो गया 0.8779 है। अगेन आप ये कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हो। और एम एट द करेक्टेड स्लोप की वैल्यू आई है 1.0295। सिमिलरली आपके पास जो एम सी बाई एम ए की वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 1.0295 डिवाइड बाई 0.8779 जो कि इक्वल होगी 1.173। तो ये जो फैक्टर आएगा इसी फैक्टर के साथ आपके पास जो पुराने डेटा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको वो जो भी आपके जो डेटा है उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास जो एडजस्टेड डेटा होगा वो ये आ गया यहाँ पर अब, और सिमिलरली इस एडजस्टेड डेटा को आप फाइनली यहाँ पे क्यूमुलेटिव जो टर्म्स हैं उनको हटाते जाएंगे और यहाँ पे ग्राफ को अपना फाइनल प्लॉट कर जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल डेटा आएगा वो आपके पास एक्चुअल करेक्टिव ग्राफ आ जाएगा जो कि आपके पास पोस्ट या फिर आप कह सकते प्री 1967 के जो डेटा के साथ करेक्शन में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, आप जो भी करेक्शन कर रहे हैं, जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो गिवन स्टेशन एक्स या गिवन स्टेशन एम के बारे में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आपके आसपास के जो 5 से 10 स्टेशन जो आपने सेलेक्ट किए थे उनके डेटा के बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इस कंसेप्ट में हमेशा ये काम करते हैं कि आप ये एज्यूम करते हैं कि बाकी सारे डेटा आपके कंसिस्टेंट है और आपका जो करंट फोकस ऑफ स्टडी है या फिर जो फोकस ऑफ आपका कंसर्न स्टेशन है वहाँ का डेटा आपका कंसिस्टेंट नहीं है, उस डेटा को आप सुधारते हैं और या फिर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है वो इनिशियली आपका ये जो डेटा है वो आपके कंसर्न स्टेशन का डेटा है जिसको आप चेंज कर रहे हैं, ना कि आप बाकी के जो एवरेज वैल्यू है उनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आपको समरी में आपको बता देते हैं हुआ क्या है। हमें डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक करना पड़ेगा और हमें डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करनी इसलिए ज़रूरी है कि ओवर द टाइम हो सकता है आपके पास ऑब्जर्वेशन मेथड चेंज हो गए या फिर आपका आपका जो रेन गेज है एक लोकेशन से दूसरे जगह मूव कर गया, हो सकता है आपके नेबरहुड में कोई चेंजेस आए जिसके कारण आपके डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, उस स्टेशन के आसपास के स्टेशन के एवरेज मीन लेंगे और उसके बाद उनका क्यूमुलेटिव मीन प्लॉट करेंगे। अगर एक सेम स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो आप डेटा को कंसिस्टेंट कहेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन में ब्रेक दिख रहा है तो डेटा को इनकंसिस्टेंट कहेंगे, इनकंसिस्टेंट हुआ तो आप डेटा को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ स्लोप के करेक्शन के हिसाब से इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप डेटा को करेक्ट करेंगे और फाइनल जो आपके पास करेक्टिव डेटा है उसको इस्तेमाल करके आप जो भी आपके मॉडलिंग हुआ या फिर आपका डेटा का सिंथेसिस जैसा आपको यूज़ करना है उस हिसाब से आप उस डेटा को आप आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेनफॉल डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रेनफॉल मास कर्व हुआ, रेनफॉल हाइटोग्राफ हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।